अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में है। जी हाँ, आज वीडियो है इन कोरियन शीट मास्क के बारे में इन डिटेलिंग। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ इन सब को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे पाकिस्तान में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स, इनके बेनिफिट्स एंड यूजेस के बारे में। बात करेंगे हम कोरियन शीट मास्क के बारे में। माली कोरियन शीट मास्क, माली शीट मास्क के बारे में नादिया खान ने बहुत ही बेस्ट ओपिनियन रिव्यू दिया है एंड निशु खान ने भी। ओके जी, आते हैं शीट मास्क की तरफ। पहले मैं ये अप्लाई करूँगी आपके सामने, ये ओपन करके अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर। इसलिए रिव्यू दूँगी मैं आपको और बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ओपनिंग करते हैं इसको। मैं यहाँ पे पर्ल हाइड्रेटिंग एसेंस मास्क अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। यहाँ से ये मैं इसको कट कर चुकी हूँ और दिखने में ये कुछ इस तरीके से है। ओपन करने पे अच्छा खासा इसके अंदर एसेंस है और बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले क्या करोगे आप, इस शीट मास्क पे के अंदर यहाँ पे जितना भी मास्क होता है, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा ऊपर यूँ। इसको अपने नोज़ एरिया पे और सब जगह अच्छे से अप्लाई करोगे, बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। शीट मास्क इस तरीके से अप्लाई होता है, ये आप देख लो। तो मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे और फिर मैं बाकी का आपके साथ इन डिटेलिंग इस वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। केयरफुली ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आप देख लो इस तरीके से ये फेस बना हुआ है। इसको आप अप्लाई करोगे अपने फेस पे 15 मिनट तक आपको इसको फेस के ऊपर रखना है अपने। तो ये मैं अप्लाई करने के बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। सो मैं इसको अप्लाई करके फिर आपको नेक्स्ट इन डिटेलिंग इन सब के बारे में बताऊंगी कि किस किस स्किन के ऊपर कौन सा यूज़ होगा। ओके जी, यहाँ पे मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी चीज़ में यूज़ किए बगैर आपको उसका रिव्यू शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज के वो हॉनेस्टली नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि किस तरीके का काम करता है या नहीं। बेस्ट रिज़ल्ट सुने हैं, पर मैं आपके साथ अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद ही शेयर करूंगी कि ये बेस्ट है या नहीं। दूसरे इसके शीट मास्क में काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, ये पर्ल वाला फ़र्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, इसलिए इसका रिज़ल्ट अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। 15 मिनट बाद मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूंगी। सो वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो ये है पर्ल मेरे पास अल्ट्रा हाइड्रेटिंग एसेंस मास्क। ये कोरियन माली का मास्क है, यहाँ पे ये मेंशन है माली और पीछे इनकी ये डायरेक्शंस भी हैं, यूजेस भी हैं। और आप इसको एक बार के अलावा यूज़ नहीं कर सकते हो, जस्ट एक बार आप इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको अगेन आप नहीं अप्लाई कर सकते अपने फेस पे, इसको डस्ट आउट कर दोगे। पर्ल जो है वो बहुत सी वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, गुड फॉर योर वाइटनिंग स्किन। जिन गर्ल्स को बहुत शौक होता है जनून के हद तक वाइटनिंग का, उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड पे जाने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं इन सब के प्राइस की। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जस्ट पाकिस्तानी 150 रुपीज़ में आपको मिलता है कोरियन शीट मास्क। माली शीट मास्क की बात की जाए तो आप सब अगर नहीं जानते तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, इन सब ने दुनिया में धूम मचाई हुई है। जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं इनकी काफ़ी फेमस हैं,
एंड अदर प्रोडक्ट्स काफ़ी रिजनेबल प्राइस हैं। कुरियन माली शीट मास्क 18 से ज़ाहिद कंट्रीज़ में सप्लाई हो रहा है। 13 वैरायटीज़ हैं इसकी, 13 डिफरेंट कमाल दिखाता है ये। एक मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, 12 का मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी के 12 ये जितने भी हैं कौन सी स्किन पे कौन सा जाएगा। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे है मेरे पास विटामिन सी। इसमें विटामिन सी यूज़ किया गया है, आपकी स्किन को विटामिन सी टाइट करने में हेल्प देता है, ग्लो देता है आपकी स्किन को। और ये इनकी वैरायटीज़ हैं, इन सब में ये फुल हाइड्रेशन करते हैं आपकी स्किन को। और ये वाला विटामिन सी जो है यूज़ करना चाहें तो आप ले सकते हैं। सेकंड पे आते हैं, सॉरी थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे मेरे पास है एलो। एलो हेलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है अपने अंदर, ये फेस के लिए बहुत अच्छा है। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इससे होगी आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एलो हाइड्रेटिंग मास्क। और यूज़ करना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। ओके जी, फोर्थ पे इनकी जो वैरायटी है वो है क्यूक्यूम्बर की। क्यूक्यूम्बर ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। जिस तरह की कराची में गर्मी है, वन ऑफ द बेस्ट योर स्किन रिलैक्सिंग। आप इसको लगा के अच्छे से अपनी स्किन को नरिश कर सकते हैं। चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ नंबर पे है मेरे पास ग्रीन टी। ग्रीन टी शीट मास्क है ये, डिटॉक्सिफाई के लिए, सफाई के लिए हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, गर्द गुबार जो स्किन पे बैठ जाता है उसे अच्छे से ये साफ करता है। अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई एंड क्लीन अप करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। सिक्स पे है मेरे पास स्टीम सेल। स्टीम सेल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टीम सेल आपकी स्किन को अच्छे से रिपेयरिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस पैदा करता है रफ़ एंड टायर्ड स्किन में। आपकी स्किन ब्राइटन अप करता है एंड हेल्दी कम्प्लेक्शन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, हफ्ते में एक शीट मास्क से कुछ नहीं होगा। आपको इसकी 4 सेटिंग लेनी चाहिए। कोई भी आप यूज़ करो तो उनकी 4 सेटिंग्स लाजमी लो। कुरियन शीट मास्क 1 मंथ में हफ्ते में, इट्स मीन के कुरियन शीट मास्क 1 मंथ में हफ्ते में एक बार यूज़ करोगे आप। महीने में 4 बार यूज़ करना है ये शीट मास्क, कोई भी आप यूज़ करते हो। अगर आप स्टीम सेल यूज़ कर रहे हो तो फिर उसमें भी आपको 4 सेटिंग लेनी चाहिए इनकी। हफ्ते में एक यूज़ करेंगे और महीने के 4 लगेंगे, 4 पैक लगेंगे आपके मंथ के 4 शीट। तो उससे फिर आपको जो है इसका अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा। किसी में भी आप जो भी इसका कोई भी वैरायटीज लेंगे उसमें 4 सेटिंग लाजमी करें आप। 4 सेटिंग के बाद ही आप इसको अच्छा रिज़ल्ट आपका आएगा, एकदम से एक ही शीट मास्क से नहीं आने वाला। यहाँ पर नंबर 7 पे मेरे पास है रॉयल जेली। रॉयल जेली खास शहद की मक्खियों से पाया जाता है, गुड फॉर योर स्किन, एंटी एजिंग साइन को कम करता है, एंटी एजिंग रिंकल फाइन लाइंस जो उम्र के साथ साथ स्किन पे आती हैं उसे कहते हैं। दिस बेस्ट फॉर योर एंटी एजिंग वुमेन स्किन। सो आप ये लेना चाहें तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, आप यूज़ कर सकते हो। ओके जी, 8 नंबर पर यहाँ पर मेरे पास है कोएंजाइम Q10। ये भी एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है, ये भी आपको एंटी एजिंग में ही यूज़ होता है, रिंकल फाइन लाइंस के लिए ये आपको बहुत हेल्प करता है। 9th नंबर पर मेरे पास है सीवीड। सीवीड आपकी स्किन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड हेल्दी एंड ग्लोइंग इफेक्ट देता है। सेकेंड मस्ट यूज़ देम, मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी। आपकी स्किन को रिस्टोर करता है ये सीवीड, बहुत सी कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसको यूज़ करूँगी, अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। नंबर 10 पे है मेरे पास कॉलेजन। कॉलेजन बेस्ट फॉर योर स्किन, हेल्दी
cells, healthy cells and recycling provide your skin best for moisturizing. Collagen skin beauty products में भी use होता है. 11 number पर है मेरे पास यहाँ पे pomegranate. Pomegranate fresh करेगा skin को, glow देगा and moisturize your skin. Hydrating, refreshing के लिए आप इसे use कर सकते हो. Number 12 पे है मेरे पास potato sunrise. सन टैंस स्किन वालों के लिए बेस्ट है, जो धूप में रहते हैं चेहरे पे कालापन आता है उसके लिए पोटैटो शीट मास्क बेस्ट है. सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है ये, और स्किन पे जो आपके सन टैंस हो जाते हैं सूरज में निकलने से, धूप में निकलने से, उनको ये कम करता है. देन लास्ट में है मेरे पास यहाँ पर रेड जिनसिंग. ये 13 कंप्लीट हो गए हैं इसके, 13 के 13 मैंने आपके साथ शो ऑन करवाए हैं इस वीडियो में. ये रेड जिनसिंग अल्ट्रा हाइड्रेटिंग, ये जो है बहुत ज़्यादा ढीली ढाली और थकी हुई जो स्किन होती है, जो लेडीज़ अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती उन्हें, आई एम श्योर कि उन्हें यूज़ करना चाहिए इसको. ये बिल्कुल से उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी स्किन की वो केयर नहीं करते. रेड जिनसिंग उन्हें बिल्कुल यूज़ करना चाहिए और ये उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी. यहाँ सारे डायरेक्शंस हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ये माली की, ये मैंने सब आपके साथ शेयर की हैं. इनके 13 वैरायटीज़ हैं जो मैं आपको सब इन डिटेलिंग बता चुकी हूँ इस वीडियो के अंदर. वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी जो कुछ मैंने आपको इसमें इन डिटेलिंग की है. कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से कि मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझा सकूँ. 150 रुपीज़ कुछ भी नहीं है गर्ल्स. अगर आप अपने स्किन पे मंथली, महीने में एक दफ़ा जाके आप किसी भी मोहल्ले के पार्लर में भी जाते हो तो नॉर्मल फेशियल 1800 रुपीज़ से स्टार्ट होता है. उससे बेस्ट है कि आप ये 4 शीट ले लीजिए मंथ में, 4 शीट ले लीजिए. 1 मंथ में आपने इसको 1 वीक यूज़ करना है. एक शीट मास्क आप हफ्ते में एक बार यूज़ करेंगे, उससे आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटिंग हो जाएगी. फुल ऑफ हाइड्रेटिंग है ये सब मास्क और हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट काम कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट है और सबसे कम प्राइस है इन शीट मास्क के. गार्नियर के भी बहुत हाई अप जा रहे हैं, गार्नियर शीट मास्क भी बहुत ज़्यादा प्राइजी हो गया है उसका. आई डोंट नो कि वो क्यों प्राइस एकदम से उनके बढ़ गए हैं. वो भी शीट मास्क में आपके साथ शेयर कर लूँगी, पर उसके शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ कि वो 250 रुपये का एक है और ये 150 का एक है. 250-300 रुपये का, 250-300 रुपीज़ ईच है वो. और आपको ये जो है ये आपको मिल रहा है जस्ट 150 रुपीज़ में. और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देख लीजिए मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया है और मैंने इसे यूज़ किया है और 15 मिनट से ऊपर ही हो गए अच्छे से. इसकी एक तो स्मेल बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी स्मेल है इसकी, बहुत फ्रेशनेस और एकदम से ठंडा सा स्किन पे फील हो रहा था. और ये वाइटनिंग वाला मैंने इसका मास्क लगाया था. अगर ये आप मुझसे पूछें कि इसने फ़र्क दिखाया या नहीं दिखाया है तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी. डेफिनेटली इसने मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से काम किया है और काफ़ी ग्लोइंग लुक हुआ है, ब्राइटन अप हुई है मेरी स्किन. तो यूज़ करना चाहें तो आप ले सकते हो. ये था मेरा आज का रिव्यू इन माली शीट मास्क के बारे में. ओके जी, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को.